परम पूज्यवर साहेब जी, वन्नी संसा माज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, मासिक सत्संग का ये एक साल से ज्यादा हो गया और ये दूसरा बार और है, 14 बार हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में एक नए उजाला हो, एक नए प्रकाश, एक नए जीवन की शुरुआत, अपने जीवन में एक ऐसा ऊर्जा आप पैदा करें कि आपके जीवन में प्रेम का स्थान हो, धैर्य का स्थान हो, उलझे हुए जीवन से हट करके एक सुलझे हुए जीवन की ओर आगे बढ़े, और यही जीवन की सफलता है। दुखी मन से हट करके एक प्रसन्नता मन में, एक प्रसन्नता बने हो, चेहरे में मुस्कान हो, ये जीवन की सफलता है। हम सबको इसीलिए काम करना चाहिए। नया वर्ष क्या होता है? लोग नया वर्ष में जश्न मनाते हैं, कुछ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सब कुछ पुराने हो जाते हैं, सब कुछ पुराना है। नया मकान बनाते हैं वो भी पुराना ही है, वही मिट्टी, वही पत्थर, वही छड़ को रूपांतरित कर दिया जाता है और उसको फिर से नवीनीकरण कर दिया जाता है। कपड़े पहनते हैं वही पुराने रुई का कपड़ा है, लेकिन उसको फिर से पिरोया जाता है, फिर से उसको मशीन में डाला जाता है, कपड़ा बनता है, पुराना है, हर कुछ पुराना है। गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में जो कुछ भी लगा है वो नए कुछ पदार्थों का मेल है, उसको रूपांतरित कर दिया गया है। नया तो है ही नहीं, कुछ क्या नया है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन एक है जो नया है, यदि आप जीवन में आज तक जो नहीं सोचे थे, आज तक आपके मन में एक ऐसा विचार नहीं आया था, जो विचार आज आपके अंदर पैदा हो गया और नए ढंग से जीना शुरू कर दिए, ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की सफलता है। ये बस नया हो सकता है। आज तक हम द्वेष में जीते थे, आज तक लड़ाई और झगड़ा में जीते थे, आज तक राग और द्वेष में जीते थे, आज तक तेरे और मेरे में जीते थे, लेकिन अब मुझे स्वच्छंद जीवन, अब मुझे प्रेम और आनंद का जीवन, अब मुझे क्लेश रहित और कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड जीवन, ये जीने की शुरुआत करते हैं, तब नया हुआ। मैं और भी कह चुका हूं नए वर्ष में कि इस दुनिया में 135 करोड़ आबादी में कम से कम 10-15-20 करोड़ लोग तो नए वर्ष में संकल्प लेते हैं, अब मुझे नए जीवन की शुरुआत करना है। 15-20 करोड़ या 30 करोड़ लोग नया जीवन की शुरुआत के लिए संकल्प लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहूँ कि जब नया वर्ष संकल्प लेते हैं ना, वो दूसरे दिन का मुख भी नहीं देख पाता है, वो भूल जाते हैं, गए भैंस पानी में। वो सोचा रहता है कि आज से मैं प्रेम से बोलना शुरू करूंगा, आज नया वर्ष संकल्प लेता हूँ, उसके सामने कोई आदमी उनकी निंदा और चुगली करता है, उनके जबान में लगाम नहीं रहता है, भूल जाता है, वो इतना गाली गलौज देना शुरू कर देता है। आज से सोचता है मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, पहले ही दिन रात्रि में सोते समय कल लिए रहे होंगे संकल्प, स्टूडेंट लोग बहुत लोग लेते हैं, रात्रि में 4 बजे उठूंगा, और रात्रि में 4 बजे का अलार्म भी बढ़ता है, अलार्म भी बजता है, लेकिन अलार्म बजते ही अलार्म का बटन दबा देता है, तो चुप, मुझे सोने दो, अभी नए दिन का शुरुआत भी नहीं हो पाता है। क्या जीवन संवर जाएगा? जीवन को संवारने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं चाहिए। मकान बनाने के लिए मेहनत चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए मेहनत चाहिए, मोबाइल खरीदने के लिए मेहनत चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत चाहिए, जीवन को संवारने के लिए बस मन का परिवर्तन। सदगुरु कबीर ने कहा है, इसलिए एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जय सासी चे मूल को फूले फले अघाए।
हम सब कुछ साधे और शायद यहाँ बैठे सब लोग हैं, सबको साधते हैं। मकान बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, मकान की सफाई, घर की सफाई, कपड़े की सफाई, स्कूली शिक्षा, अन्य चीजों की शिक्षा, हर चीज को करते हैं। और मन को कितना साधते हैं, मन को कितना सोचते हैं, मन को कितना रिफाइंड करते हैं, मन को कितना तराशते हैं। हम जितना मन को नहीं तराशते ना, उतना आगे बढ़ते हैं। हम जीवन को, भविष्य को नहीं देखते हैं हम, और वर्तमान को भी नहीं देखते हैं हम ठीक से, बस ऐसे ही जीते चले जाते हैं। हमारा जीवन सुंदर कैसे होगा आज नया वर्ष में, आप तो शुरुआत कर दे कम से कम। जिस दिन आप शुरुआत करते हैं, उसी क्षण से आपकी मुक्ति की ओर आप स्टेप शुरू कर देते हैं, अब आपका प्रारंभ हो जाता है। हमने तो शुरुआत ही नहीं किया है आज तक, सुंदर जीवन का निर्माण कैसे करना इस पर विचार ही नहीं किए हम। नया क्या है, नया बदलना होगा, विचारों को बदलिए। और विचार बदलने से जीवन बदलता है, विचार बदलने से जीवन बदलता है। आदमियों को जहां संयम, नियम, प्रार्थना ये चीज बताया जाए, वहां लोगों को रस नहीं आता है। लोगों को रस आता है इधर उधर खाने पीने में, घूमने में, लेकिन उससे जीवन नहीं बनता है। कर्म कांड में उसमें मजा आता है, प्रशंसा में, मान में, सम्मान में, इसमें मजा आता है। लेकिन जहां अपनी बात को सुधार, अपने जीवन को सुधारना है, अपने खुद को तराशना है, खुद को ही रिफाइंड करना है, तो वो आदमी को मजा नहीं आता है। लेकिन वो आदमी, जिस आदमी को सत्संग के प्रति रुचि बढ़ जाए, अपने जीवन के प्रति रुचि बढ़ जाए, वो आदमी को बाहर मजा नहीं आता है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, सत्संग के प्रति रुचि, और देखता हूँ आप हमेशा कहीं भी पहुंच जाते हैं। रुचि है, कहीं सत्संग हो रहा है पहुंच जाते हैं, रुचि है। मतलब अपने आप से प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम संपत्ति से कितना प्रेम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, गाड़ी से, मकान से, मोबाइल से, घर वालों से कितना महत्व प्रेम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा हम अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, और शायद हम अपने आप से ही ज्यादा वैर करते हैं, इसलिए हम अपने आप को गलत ओर ले जाते हैं, गलत ओर ले जाते हैं। कल वहां प्रोग्राम हुआ, 3 दिवसीय प्रोग्राम था। कुसरंगी के बाद हम लोग वहीं गए। 3 दिवसीय सत्संग प्रोग्राम में पहली बार एक ऐसी सभा, एक विशाल सभा, विशाल पंडाल, और करीब करीब अभी साहब लोग बता रहे इतने लोग, और शायद मैं करेक्ट बता रहा हूँ, मैं अपने हाथों से मैं गिनती किया, सब कुछ किया, तो 135 साधु और संत थे, 135 साधु और संत थे। और सबको जहाँ तक बन सका जो सहयोग करना चाहिए, समाज ने सहयोग किया, उन सबके सहयोग से हुआ, और कई लोगों ने अपने ओर से जितना बन सका किया। और आप लोग भी इतना करते हैं कि इतना कम समय में इतना विकास आप लोगों ने किया है, ये आप सबका विकास है, ये आप सबका विकास है। हम धन तो बढ़ाते हैं, और धन सिर्फ बढ़ाते जाए, और धर्मार्थ में हम धन न लगाए, परमार्थ में धन न लगाए, तो हमको खालीपन लगेगा। इसलिए कभी कभी एक गरीब आदमी है उनका सहयोग करिए, कभी किसी के पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दे दीजिए, कभी एक बच्चा है जो फीस नहीं पटा पा रहा है, स्कूल में नहीं जा पा रहा है, उनको आप सहयोग कर दीजिए। एक आदमी है जो इलाज नहीं करा पा रहा है, उनको सहयोग कर दीजिए। एक आश्रम है जहाँ हजारों लोगों की सेवा होती है, जहाँ की संपत्ति परिवार में नहीं जाता है, वैसे लोगों को सहयोग करिए। और ऐसे साधु संतों से भी बच करके रहिए जिनकी संपत्ति परिवार बस में जाता है, ऐसे महंतों से भी बच करके रहिए जिनकी संपत्ति सिर्फ परिवार पोषण के लिए है। मैं समझता हूँ उन लोगों को देना ज्यादा सार्थक नहीं समझता मैं, और किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं महत्व नहीं देता उसको, क्योंकि एक सिर्फ परिवार को चला रहे हैं। और आप ऐसे जगह देते हैं जहाँ स्कूलों में, अनाथालय में, वृद्धाश्रमों में, आश्रमों में सहयोग करते हैं, वो पूरे समाज के लिए होता है। और वहाँ भी वहाँ के मेंबर लोग कैसे हैं, ये भी प्रभाव पड़ता है कि वो लोग कैसे अपने सिर्फ, बहुत से लोग मंच में बैठ जाते हैं, बहुत से लोग मंच में बैठते हैं, वहाँ भी गए थे, बहुत से लोग मंच में बैठे थे, क्या करते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है, परिवार मिले जाते हैं, उनका भरण पोषण होता है। उन लोगों को चाहिए कि मंच में ना बैठें, ताकि कोई ना बोल पाए ऐसे लोगों को। और आप लोग कार्यक्रम कराने वालों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग कहीं भी प्रोग्राम कराते हैं तो सबको अपने स्थान बताइए, सबको व्यवस्था दीजिए। अपनी बात पर आए, नए वर्ष पर
इसलिए अच्छे ढंग से कभी मैं बीच बीच में कहा करता हूँ, इसलिए हम उन चीजों को भूल जाते हैं, उन चीजों को याद करने के लिए ही संत गुरुजनों के बीच में जाना चाहिए, परिवार के बीच में एक माहौल बनाना चाहिए, कभी ज्ञान चर्चा करना चाहिए। परिवार के बीच में 15 ही लोग हैं, 10 ही लोग हैं, बैठ जाए, पापा से पूछे, पापा जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे संवारना चाहिए। अगर वो खुद टेढ़ा जीवन जीता होगा ना तो नहीं बोल पाएगा, और अच्छा जीवन जीता होगा तो कहेगा बेटा जीवन को ऐसे जीना चाहिए, और मैं खुद गलती करता हूँ, अब मैं भी ठीक ठीक से चलने का प्रयास। उनको एक चोट लगेगी, मेरे ही बच्चे मेरे से प्रश्न कर रहे हैं जीवन को कैसे संवारना है, और मैं ही गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। नहीं, अब मुझे जीवन को संवारना होगा, अब मुझे जीवन को एक नए मार्ग देना होगा। और आप अपने बच्चे को सही दिशा पर ले जाए, बच्चों को चाहिए कि ऐसा जीवन जिए, ऐसे माँ बाप का सम्मान करे, दादी दादा का ऐसा सम्मान करे कि अब आपके बच्चे, आपके माँ बाप आप पर गर्व करे, आपके माँ बाप आप पर गर्व करे। सर झुकाने वाला काम नहीं, आप बहुत बड़े अफसर नहीं बन पाते, बहुत पैसा नहीं कमाते, ये बच्चे माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं, अच्छे माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे अफसर बस बने, पैसा बस कमाए, बल्कि माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे इंसान बने, जो मेरे माता पिता का, मेरे भाइयों का, मेरे पड़ोसियों का, मेरे अतिथियों का, सबका सम्मान कर सके और सुंदर जीवन का निर्माण करे। बस माँ बाप के अंदर एक आरजू है, बस इतना ही आरजू होती है। इसलिए जीवन को, नए जीवन की शुरुआत, सुंदर ढंग से जीवन को बनाए आप, कैसे जीवन को आप संवारना है आपके हाथों में, आप जीवन के निर्माता है, आपके जीवन को कोई नहीं बनाएंगे, न बुद्ध आएंगे, न कबीर आएंगे, न ईसा आएंगे, न मोहम्मद आएंगे, न राम आएंगे, न कृष्ण आएंगे, न ही मोदी आएंगे, न ही भूपेश बघेल आएंगे। जीवन को खुद को संवारना है, आपको खुद को संवारना है, भ्रांतियों से हटे भ्रांति। और मैं अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे एक जगह, लगभग 15 दिन हो रहा है, अच्छे कबीरपंथी परिवार है, यहाँ धागा वहां धागा, यहाँ ताबीज, क्या ये नाटक है, समझ नहीं आता है। कबीरपंथी है, जहाँ कबीर उन बातों को खंडन करते हैं, कुछ नहीं होता इससे। अपने आप पर रहो, संत गुरुजनों को मानो, महापुरुषों को मानो, ये चीज कहते हैं। और एक साधारण से बिल्ली काटती है रास्ता, उसमें रोक भी जाते हैं। मैं आज तक इतनी यात्रा किए, हम लोग कभी नहीं रुकते हैं, हम तो जो होना रहेगा वो होगा, सावधानी बस चाहिए, सावधानी ही साधना है। भ्रांतियों से हटे, आप कितना भी ताबीज बांध ले, कितना ही धागा बांध ले, कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, कहीं मंदिर है, मस्जिद है, कहीं जाते हैं, सिस्टम है, शिष्टाचार है, किसी का अपमान करना शिष्टाचार नहीं है। मंदिर में है, हाथ जोड़ लिए, बुरा नहीं है, मंदिर में है, सब मूर्ति का मूर्ति है, वहां प्रणाम कर रहे हैं, आप भी कर ले, बुरा नहीं है, ये शिष्टाचार है, ये बुरा नहीं है। समाज में जीना है तो समाज के कुछ नियमों को फॉलो करना होता है। इसलिए आपके घर में, आपके घर को खुद को मंदिर बनाइए, नए वर्ष में शुरुआत करिए, आप लोग अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने घर के सदस्यों को देवी देवता बनाइए, देवी देवता समझ करके उनकी आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, माँ बाप की पूजा करिए, यही तो जीवन की सफलता है। 5 से 6 मंजिल हो जाए, ये जीवन की सफलता, ये जीवन की सफलता, ये संपत्ति की सफलता है, ये मकान की सफलता है, गाड़ी हो गई, गाड़ी की सफलता है, हमारी सफलता नहीं। जिस दिन गाड़ी हटा दिए, आपसे बात नहीं करेंगे लोग, अरे उनके पास गाड़ी नहीं क्यों जाएंगे। पद की सफलता क्या है, आप पद में रहते हैं तब तक लोग सम्मान करते हैं, और जिस दिन आप पद से हट जाते हैं पर भी सम्मान करते हैं आपका, मतलब वो आपकी सफलता है, वो आपकी सफलता है। और पद से हटते ही लोग सम्मान करना भूल जाते हैं ना, मतलब वो पद की सफलता थी, हमारी सफलता नहीं है। इसलिए हम जीवन को संवारे, नए वर्ष में कुछ संकल्प ले, जीवन में कुछ निर्माण करें, प्रेम से जीना, प्रेम ही जीवन की सफलता है, आपस का प्रेम, एक दूसरे को सम्मान, माँ बाप को सम्मान, अतिथि को सम्मान, जीवन को इस ओर ले जाए कि खुद को महसूस हो आज से मैं, आज नया वर्ष में 1 तारीख से मैं जीवन को नए ओर ले जा रहा हूँ, नए ओर ले जा रहा हूँ। कितने लोग ले जाएंगे बताएंगे, बहुत लोग, धन्यवाद, एक क्षण, बहुत लोग ले जाने का प्रयास करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसके लिए एक क्रम बताऊं, अपने मोबाइल में अलार्म भर लीजिए, रात्रि में 10 बजे से 6 बजे के बीच में अलार्म मत भजिए, 6 बजे से हर घंटा में आपके मोबाइल में अलार्म बजना चाहिए,
टीटी दो बार अलार्म बजेगा, 60 अलार्म दीजिएगा, तब तब आप अपने मन को देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। आपको कम से कम 18 बार मन को देखने के लिए अलार्म भर लीजिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए था। मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, मैं फिल्म देख रहा हूँ। मुझे अभी भोजन का टाइम है, मैं क्या कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। मुझे प्रेम से बात करना चाहिए था, मैं लड़ाई कर रहा हूँ। आप लड़ाई कर रहे हैं और सही आदमी है कहीं आप? किसी से लड़ाई हो गई, देरान से, जेठान से, सास से, बहू से, पड़ोसी से लड़ाई हो गई और कहीं अलार्म बज गया, आप सही आदमी है ना, तो एकदम साइलेंट हो जाएंगे? नहीं, गड़बड़ हो रहा है, मुझे सावधान होना चाहिए। 18 बार आप अलार्म भर लीजिए, फिर कम करते जाइए, कम करते जाइए। आपकी स्थिति एक दिन ऐसी हो जाएगी कि अब अलार्म की जरूरत नहीं है, खुद आपका जीवन ही अलार्म हो गया है। आपका जीवन कैसे अलार्म हो गया? जब आप अच्छे रहनी में रहना शुरू कर दिए, अच्छा जीवन शुरू कर दिए ना, तो आप सबके लिए अलार्म बन गए। आप जिधर भी जाएंगे, जिन लोगों से भी मिलेंगे, भैया आ रहे हैं सावधान हो जाओ, लोग कहेंगे पापा आ रहे हैं सावधान हो जाओ। आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि खुद आप अलार्म बन जाएंगे, सबके लिए अलार्म बन जाएंगे। क्या सोचते हैं, कितना सरल है, कितना सरल। आपने अपने जीवन को बनाने के लिए एक मोबाइल में अलार्म भरा, अब मोबाइल के अलार्म भी हट गया और जिधर भी जाते हैं आप लोग, जिन लोगों से भी मिलते हैं ना, आप खुद अलार्म बन जाते हैं। गुरु जी चलते थे, गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहेब जी, तो लोग एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते थे, सावधान हो जाते थे, गुरुदेव जी आ रहे हैं, गुरुदेव जी आ रहे हैं, कोई कहते थे, गुरुदेव जी कहते थे मैं आ रहा हूँ सावधान हो जाओ, वो खुद अलार्म बन गए थे, पूरे समाज के लिए अलार्म घड़ी हो गया था कि लोग उनको देखते ही सावधान हो जाते थे। आप भी वैसे कर सकते हैं, आप भी वैसे कर सकते हैं। कहीं आपस में बुढ़िया बुढ़िया लोग निंदा और चुगली कर रहे हैं, आप 4-6 बार अपने सासू माँ को कह देते हैं, देखो आपस में बैठते हो तो निंदा चुगली मत किया करो। तो जब जब आप उधर से आगे गुजरेंगे ना और निंदा चुगली बुढ़िया बुढ़िया कर रही है, वो आवा थे बनकर बंद हो जाएगा, बंद। आप जीवन को संवारिए, कहीं आप अच्छे आदमी हो जाए, अच्छे आदमी हो गए और आपके बच्चे, आप 2-4 बार समझाए, उसके बाद आपके बच्चे गलती करते रहेंगे, उधर से कहीं गुजर जाएंगे, बच्चे एकदम सावधान हो जाएंगे। बच्चे के हाथ में कहीं सिगरेट है, कहीं तंबाकू है, वो बच्चे के हाथ से छूट जाएगा, बिना छोड़े फेंक देगा, वो एकदम फेंक देगा, वो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे 4-6 बार होगा, जीवन कितना संवर जाएगा, कितना साधारण है जीवन को संवारने के लिए। नए वर्ष में आप यही करिए, आप यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, मन को देखना है बस, मुझे प्रेम से बोलना है, जीवन को संवारना है मुझे, यही जीवन की सफलता है और यही नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सबको।